सिस्टम, डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के भाग, कंकाल तंत्र के भाग। द इंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड देयर कार्टिलेज अलोंग विथ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स कंस्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। जितने भी बोन का फ्रेमवर्क है, जितनी भी हड्डियाँ हैं, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, सब मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाती है। कंकाल तंत्र कहने का मतलब केवल बोन नहीं होता, बोन के साथ साथ जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सारी भी स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आती है। द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन के स्ट्रक्चर का, उसके डिसऑर्डर्स का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, अस्थि विज्ञान। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स एंड लॉजी मीन्स होता है साइंस। द एडल्ट ह्यूमन, तो देखते हैं डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 नेम्ड बोन्स एंड मोस्ट ऑफ विच आर पेयर्ड। एक एडल्ट ह्यूमन में, एक वयस्क व्यक्ति में कुल 206 बोन्स होते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन के स्केलेटन में कुल 206 बोन्स होते हैं, जितने हमें नाम ज्ञात है उनके अनुसार। मोस्ट ऑफ विच आर पेयर्ड, जिनमें से ज़्यादातर जोड़ी में होते हैं, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारे पेयर्ड बोन्स हैं। द स्केलेटन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव मोर देन 206 बोन्स बिकॉज सम ऑफ दियर बोन्स फ्यूज लेटर इन द लाइफ। बच्चों में और इन्फेंट्स में, यानी तुरंत पैदा हुए बच्चों में, बोन्स की संख्या 206 से ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े होते होते कुछ हड्डियाँ फ्यूज हो जाती है और अंततः एडल्ट होने पे 206 बोन्स बन जाती है। एग्जाम्पल्स आर द हिप बोन्स एंड सम बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो उन फ्यूज होने वाले बोन्स के कुछ नाम हैं जो कि एक्स्ट्रा पाए जाते हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में, वो है सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये सारे फ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स है, बैकबोन है, उसमें भी आपने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है, स्टार्टिंग में उसका जो स्ट्रक्चर है फिश के जैसे होता है, फिर वो और चेंजेस होते जाते हैं उसमें। तो उस टाइम पे एम्ब्रियो में आपने देखा होगा टेल दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो एम्ब्रियो बड़ा होता है टेल गायब हो जाता है। मतलब कि जो टेल वाली जो हड्डियाँ हैं, जैसे कॉक्सिक्स है, सैक्रम, वो सारी फ्यूज हो जाती है, जिससे हड्डियों की संख्या अंततः नॉर्मल हो जाती है, यानी 206 हो जाती है। बोन्स ऑफ द एडल्ट स्केलेटन आर ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स। वयस्क स्केलेटन का, एक वयस्क व्यक्ति के स्केलेटन के जो बोन्स हैं उन्हें दो मेन डिविजन्स में हम बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, और अपेंडिकुलर मतलब होता है जो साइड साइड के बोन्स हैं वे। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 बोन्स होते हैं। एक सेपरेट वीडियो में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पे बनाऊंगी, जिसमें मैं हर एक बोन को बताऊंगी एक्सियल स्केलेटन का, कि चेहरे पे कितने बोन्स हैं, स्कल में कितने बोन्स हैं, बोन्स की संख्या। आप सिंपल अभी याद रखिए कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं। टोटल मनुष्य में कितने होते हैं, वयस्क मनुष्य में के स्केलेटन में 206 बोन होते हैं, और एक्सियल स्केलेटन में ओनली 80 बोन्स होते हैं। एंड जो बाकी बोन्स हैं, दैट मीन्स 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन जो है, वो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज एक्सियल स्केलेटन, एंड जो पिंक वाला या पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कुल कितने बोन होते हैं, 80 बोन्स, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 बोन। नाउ आगे देखते हैं डिविजन्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम में। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ द बोन्स दैट लाई अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक्सियल स्केलेटन वो बोन्स आते हैं बॉडी के, स्केलेटन सिस्टम के, जो अक्ष के आसपास होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो एक्सियल स्केलेटन है वो सीधे अक्ष के आसपास वाले बोन्स ही हैं, जैसे कि स्कल है, फेशियल बोन्स हैं, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये सारे एक्सियल स्केलेटन हैं, रिब्स हैं। तो एक्सिस के आसपास जितने बोन्स हैं वे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, और उनको छोड़ के जो बाकी बोन्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं।
स्कल बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन्स, कुल 6 होते हैं मनुष्य में. देन हायोइड बोन, रिब्स, स्टर्नम एंड बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स. अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर एंड लोअर लिम्स के बोन्स आते हैं. ये अपर लिम्ब हुआ और ये लोअर लिम्ब हुआ, प्लस द बोन्स फॉर्मिंग द गर्डल्स दैट कनेक्ट द लिम्ब्स ऑफ टू द एक्सियल स्केलेटन. साथ ही साथ गर्डल्स आते हैं. ये जो बोन्स हैं गर्डल्स, वे एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं. गर्डल्स पेक्टोरियल गर्डल्स होते हैं, पेल्विक गर्डल. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बोन. एंड हियर इज अ कोट, डू द थिंग्स यू फियर टू डू एंड कीप ऑन डूइंग इट. दैट इज द क्विकेस्ट एंड श्योरेस्ट वे एवर ये डिस्कवर टू कंक्वेयर फियर. आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए. अपने डर पर विजय पाने का सही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है. इसलिए अपने डर पे आप जीत पाइए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.